हमारे एक व्यूअर का मैसेज आया था मुझे कि संगीत भाई मोबाइल पे एक न्यू क्रिकेट गेम आया है, क्रिकेट 22 जैसा गेम है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं बट 52 MB का है इसलिए ज़्यादा फीचर्स नहीं है बट बहुत अच्छा है, एक बार चेक करना। फिर उन्होंने उसका नाम लिखा था जिसका आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, वो सही में इतना अच्छा है जितना इन्होंने कहा है। क्रिकेट 22 जो कि PC का गेम है, तो क्या एक मोबाइल का गेम 52 MB का एक 50 GB के गेम को टक्कर दे सकता है? लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो गेम मैंने डाउनलोड कर लिया, क्रिकेट एवोल्यूशन प्रो नाम है इसका, और हाँ सही में 52 MB के आसपास ही था। तो ये इसकी स्क्रीन है, ग्राफिक्स सारे ब्लर हो गए हैं, मैं टैबलेट में खेल रहा हूँ शायद इस कारण से, पता नहीं। ऑप्शंस पे जाने पे मुझे ऑप्शन में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे। ग्राफिक्स का ऑप्शन है, हाँ ग्राफिक के ऑप्शन है, मैं सारे ग्राफिक के ऑप्शन जो हाईएस्ट हो सकता है ग्राफिक्स में कर दे रहा हूँ। लोवेस्ट सेटिंग का भी ऑप्शन है, आप चाहो आपका PC थोड़ा अगर मोबाइल लैग कर रहा है तो आप क्लिक कर सकते हो। म्यूज़िक पता नहीं मैंने आवाज़ कम की क्या है, देखना पड़ेगा। हाँ मैंने तो आवाज़ तेज की है बट आई थिंक ठीक है, म्यूजिक ना ही हो तो अच्छा है। गेम कंट्रोल्स आ जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा इसका गेम कंट्रोल्स है। इसमें भी चीज़ें लॉक दिखाई गई हैं पता नहीं क्यों। अच्छा बॉल हेल्प का ऑप्शन है, 3 ओवर ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन है, 3 बैट्समैन 3 टाइम बैट्समैन, भाई काफ़ी अजीब चीज़ है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये क्या ऑप्शन है। टाइम डिले का भी ऑप्शन है, कितना वक्त लेके गेम आगे बढ़ेगा वो सब है। ऊपर रिसेट का ऑप्शन है, ठीक है। एक अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस गेम का नाम तो क्रिकेट एवोल्यूशन प्रो है लेकिन जब आप बैकग्राउंड में इसको डालते हो ना, 3D विकेट वैकर्स करके इसका नाम आता है। भाई ये कैसा है कि मतलब गेम आपकी कुछ और है, नाम कुछ और आ रहा है, अजीब है, मैंने पहली बार देखा ऐसा होते हुए। ठीक है, लीग और कैप कप अनलॉक है तो भाई मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्लिक करने पे, यहाँ तक कि बाय के ऑप्शन भी मुझे नहीं आ रहा है तो मैं फ्रेंडली पे जा रहा हूँ। और फ्रेंडली पे मुझे यहाँ पर सब कुछ लॉक दिख रहा है, बेसबॉल के हेलमेट वाले प्लेयर्स बनाए गए हैं, लोगो भी इनके हेलमेट से इंस्पायर लग रहा है मुझे, ये मैंने लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें मैंने किसी और गेम में देखी हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है मेरे को। ठीक है अभी तो प्ले करते हैं, मेन तो गेम प्ले है। ठीक है भाई, छोटे गेम में आप ऐसा कर सकते हो। और एम्पायर यहाँ पे भी खड़े हैं जो कि ये अलग आइडिया मुझे लगा कि ये उनका एम्पायर का फोटो लगा दिया है। अब कंट्रोल में मुझे इन्होंने कोई ज़्यादा हेल्प नहीं दी है बट एक चीज़ थोड़ी सी, ठीक है सब कुछ मूव कर सकते हो आप, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मेरे पास हाँ यहाँ पे 5, 3, 10 का ऑप्शन दिया, मतलब कि मैं 5 आउटस्विंगर डाल सकता हूँ, 3 स्ट्रेट डाल सकता हूँ, 10 इनस्विंगर डाल सकता हूँ, पता नहीं क्यों ये नंबर ऐसे हैं मुझे नहीं मालूम। प्लस यहाँ पे फील्डिंग सेटअप का ऑप्शन है जिससे ऑटोमेटिक रिसेट होती है फील्डिंग, हाँ अपने हिसाब से आप सेट करा सकते हो, सही है, सही फीचर है। कस्टम फील्डिंग कहीं नहीं है बट जैसा बताया था हमारे यूज़र ने कि सारे फीचर ऐड नहीं किए हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन है जिसके आप हमारे विकेट कीपर को सेट कर सकते हो। अरे अरे विकेट कीपर नहीं रखना हो ये तो नहीं भी रख सकते हैं, अरे भाई मुंह कैसे पलटते हैं इसका। ठीक है मैं आगे पीछे रख सकता हूँ, ये पहली बार मैंने देखा, और किसी फील्डर के साथ ऐसा नहीं कर सकते आप, सिर्फ और सिर्फ कीपर के साथ ऐसा कर सकते हो। हाँ अरे नहीं 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 अरे कस्टम, अरे ऐसा ही होना चाहिए भाई, इतना ऑसम फीचर, अरे हर फिल्टर को कर सकते हो आप ये, अब ऐसे टैप करो आपका अलग अलग फिल्टर, अरे सॉलिड, सीखना चाहिए भाई बड़ी बड़ी गेम डेवलपर्स को ऐसे फील्डिंग सेटअप रखा हो। बट अब गेम प्ले देखते हैं कैसा होता है, ये अच्छा फीचर लगा मुझे। कैमरा ऑप्शंस हैं, कैमरे में आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं बट पीछे बॉलर के पीछे से सब कुछ सेट हो रहा है, वो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ तो ब्रॉडकास्ट व्यू ही है बट अलग अलग जूम इन जूम आउट इन और आउट है ऑप्शन कैमरे का। एम्पायर पे क्लिक करने पे कुछ नहीं, ठीक है भाई लेट्स बॉल, स्ट्रेट बॉल कर रहे हैं, मुझे पिच कहीं नहीं दिख रही, कोई है तो बता दो भाई, मेरी बैटिंग तो नहीं है, अरे फील्डिंग कर सकते हो, वाइड बॉल चली गई है, अरे मैनुअल फील्डिंग है, अच्छा मैंने उठाई थ्रो मुझे करनी है, हाँ मुझे ही करनी है थ्रो, रन आउट मार, ड्राइव भी मारता है, अरे तो रन दौड़ रहा है वो, अबे अच्छा रिवर, ये कैसे दौड़ रहा है रिवर्स में, अबे तेरी मार मार दे, अरे चूक गया फिर से, अरे आउट, अच्छा बाहर रह गया, ये वो बैट्समैन क्या कर रहा है, अब नया बैट्समैन आ भी गया, वो दूसरे वाले को पड़ी नहीं, एक बत्तख बन के जा रहा है। अबे ये तो फनी गेम है काफ़ी बट टफ बहुत होगा यार, मतलब फील्डिंग कराना, अब मुझे इसमें कोई ऑप्शन दिखे नहीं, मैनुअल फील्डिंग है, ठीक है इस बार इनस्विंगर डाल दें, बट पता नहीं पिच कहाँ दिख रही है, पिच तो बता दो कहाँ पड़ रहा है, अबे सब वाइड जाएगी ऐसे तो, अरे यार क्या नाटक है, कहाँ गई गेंद, अच्छा यहाँ पे डाइव का भी ऑप्शन है, इससे क्या होता है, अरे स्लाइड का भी ऑप्शन है, ठीक है वो थोड़ा दौड़ेगा तब मारूंगा, तो मा 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 गया 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 गया, एक और विकेट गिरते हुए सॉलिड। और एनिमेशन 3D में भाई, मतलब पूरा 360 दिखाता है रन आउट का, एकदम जब स्टंप पे टच होगी ना तब बंदा कहाँ है वो देखो, बट ये रुक क्यों गई, अरे बॉल निकल गई, अच्छा
आउट भाई। और हाँ, इनका आउट होने का सेलिब्रेशन अलग है, पिछली बार अलग था, इस बार अलग है। वही यार, एडवर्टाइज है इसमें। ओके, जनरली क्या होता है, नई गेम जब लॉन्च होती है डेवलपर्स अवॉइड करते हैं एडवर्टाइज, बट इन्होंने रखी है। कुछ भी हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों मैं दबा रहा हूँ बटन, कुछ भी नहीं हो रहा। स्किप का, अरे ये क्या बैटिंग आ गई, अरे सॉलिड, अरे फ्रंट फुट पुश। अच्छा रन का ऑप्शन है, मैं फर्स्ट टाइम बैटिंग कर रहा हूँ। अच्छा दो विकेट का मैच था। अच्छा वो जो दो लिखा था वो 10 पे 2 लेकिन क्यों आ रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या दिक्कत। नहीं 10 पे 2, अच्छा ठीक है, चेज है 100, ठीक है मैं लॉफ्टेड मारने वाला हूँ। स्टांस बदल सकते हो, आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो। वही व्हाइट बॉल दौड़ना है, नहीं व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल इंपायर इशारा करता है भाई। काफ़ी लाइट वेट, काफ़ी सही गेम है, मतलब अभी मैं जज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको। ये क्या ऑप्शन है, ये क्या ऑप्शन है भाई, समझ नहीं आया मुझे। बारिश भी हो रही है, बारिश, अरे मारना, अच्छा इधर से मारना है क्या। अच्छा हाँ शॉर्ट शायद इधर से लेना है, उससे लॉफ्टेड और राइटेड, लॉफ्टेड और ग्राउंड शॉट ऐसा है, ठीक है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये क्या चीज़ है भाई। बॉलर तो रनअप अपना ले, अच्छा कैमरा आएगा, ओके फील्डिंग देख सकते हो आप, मार शॉट, ओए कट किया रन एक भी नहीं बना है, रन रेट एक, अच्छा वाइट का एक बना हुआ है, ठीक है। अरे कैमरा आएगा, फील्डिंग चेक करने का ये ऑप्शन है अपने, और गर्दन भी हिला रहा है। ओ शॉट, ओ फील्डर को देखो कहाँ कहाँ कूद रहा है भाई, तो अपना काम कर, अंपायर पर फाइन लगाने का ऐसे तो। मुझे भाई काफ़ी कूल लगी गेम, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, इसके कंट्रोल बहुत अलग है, पर मुझे कैमरा सेटअप का ये जो मूवमेंट था फील्डिंग देखने का बहुत कूल लगा, ये भी कूल। बट बैटिंग बहुत अजीब है भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों अजीब है। बॉलिंग तो मुझे नहीं मालूम, मैं खाली बस इन स्विंग आउट स्विंगर चुनता हूँ, अपने आप ही फेंकता है, और वाइड भी अपने आप ही चली जाती है, अपने आप ही रनआउट भी करवा दिया, वो रन दौड़ता रहता है खाली, गेम मतलब दे दिया है बैट बॉल और फिर अपने आप ही चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और लॉफ्टेड मारा, रन दौड़, रन दौड़, रन दौड़, रन दौड़, स्प्रिंट नहीं है, ठीक है। एक रन पे होल्ड, दो 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 दो, नहीं 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 नहीं, एक रन ही लिया है, ठीक है अच्छा है, रुक गया है, मैच जीत गया तो मजा आ जाएगी भाई। कैमरा एंगल, हाँ इसमें और भी है कैमरा एंगल, मतलब वही है पीछे से ही सेट होता है, तो जो वो क्रिकेट 22 कह रहे थे ना, वो एक्चुअली इस कारण से कह रहे थे, वो दौड़ 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 दौड़। मिस फील्डिंग, चार रन, चाहो अभी भी दाई मार रहा है उधर। ये क्या हुआ, एक रन हुआ कि दो रन हुआ, हाँ दो रन, एक एक रन आ रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग शॉट लेना है मुझे, बट गेम ऑप्शन तो देख, पिच विच कुछ पता ही नहीं मुझे। लॉफ्टेड रन दौड़ेंगे, एक रन आउट का चांस है, इस बार शायद दिक्कत होगी, मिस कर दिया है, ओवर थ्रो हो गए, फिर दौड़ा रहा हूँ मैं, अरे नहीं दौड़ने दे रहा इसको। तो वो अमेरिका का लीग आ रहा है, डेवलपर्स को इस तरह से प्रमोट करना था कुछ, US क्रिकेट लीग या US करके, तो व्यूज थोड़े आ जाते हैं इनका, और इसका लुक स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है बाकी क्रिकेट गेम्स से, जो बॉडी स्ट्रक्चर है। प्लस चार रन, यस पहली बार देखा मैंने, एम्पायर इशारा करता है अच्छे से, एक रन बाकी है। तो भाई हमारा थोड़ा फर्स्ट मैच रिव्यू आपके सामने, फर्स्ट मैच इंप्रेशन आ जाएगा भाई। गेम देखो बिल्कुल बिल्कुल एकदम टेस्टिंग फेज वाला लग रहा है, बिल्कुल इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, मैं रन नहीं दौड़ा रहा, बट हाँ देखना भाई हार ना जाए तू, क्योंकि 11 करने हैं, रिक्वायरमेंट 0.3 है, तो अगर हार गए तो दिक्कत हो जाएगी। एक रन और कर ले, बाकी देखते हैं, स्ट्रेट मारते हैं, स्ट्रेट अधिकतर कैसा होता है, शॉट पावरफुल हिट होता है स्ट्रेट में, कहाँ मारा, चलो एक रन तो लेंगे हम। अब मिस फील्डिंग हो गई है, चार रन हो गया है, विनिंग सेलिब्रेशन का इंतजार रहेगा कैसे होता है। और हाँ बीच में जब भी कुछ ओवर ब्रेक होता है तो गेम पॉज हो जाती है बैकग्राउंड में, देखो सारे कैरेक्टर रुक गए। ओ ये विनिंग सेलिब्रेशन है, ये डिफीट सेलिब्रेशन है। हाँ 13 रन मारे हैं, 10 मारे हैं, विकेट विकेट कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है, बट मैंने जैसा बताया ना कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर गेम का बहुत अलग है, बेसबॉल जैसे याद दिला देता है शायद हेलमेट के कारण या बॉडी स्ट्रक्चर के कारण या जो भी है, बट भाई हाँ ये गेम बहुत ही बेसिक है, प्लस बहुत ही चीज़ें, बहुत सारा मतलब कंट्रोल में बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। ट्राई करना है नहीं करना है, फ्री गेम है, 50-60 MB का है, मैंने एक बार एक्जैक्टली देखा नहीं है कितने MB का था, बट आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल साइज इंस्टॉल होने के बाद 170 MB है, बट मुझे अभी भी डाउट है इसका 3D विकेट ट्रैकर्स कैसे नाम आ रहा है, डेवलपर्स ने कहाँ कहाँ से उठाया है भाई ये गेम, ऐसा फील आ रहा है मेरे को, बट ठीक है जो भी है जैसा भी है। ये रहा गेम क्रिकेट इवोल्यूशन प्रो, अनलॉक एंड रिमूव एड्स पे क्लिक करने पर भी कुछ पेमेंट के ऑप्शन नहीं आ रहे, तो कुछ चल ही नहीं रहा इनमें प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ आपने ऑप्शन में भी देख लिया, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, कंट्रोल पर भी क्लिक करने पर ये पता नहीं क्या ऑप्शन आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या है। अच्छा अच्छा एक सेकंड, स्टेडियम पे क्लिक करने पे, ओए ये क्या है, बट भाई हेल्प तो दे दो ये। अच्छा बैट्समैन की विकेट्स, ओके मेरे ये विकेट्स ऑप्शंस हैं, कितने विकेट का, कितने प्लेयर का आपको मैच खेलना है, स्टेडियम कौन सा रखना है, ओ हो
अच्छा ये स्टेडियम में रख सकते, कितने ओवर का रखना है वो भी है, 3 ओवर मिनिमम है, बट हाँ और कोई ऑप्शन नहीं, टाइम डिले भी कुछ ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, बट हाँ कंट्रोल काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा आप पहली बार खेलोगे, बाकी आपकी मर्जी, 170 MB आपके पास अगर स्पेस हो तो ट्राई कर सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना आपने ट्राई किया कि नहीं, मेरे वीडियो आने से पहले किया कि बाद में किया, अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट सेक्शन में, मुझे लग रहा है डेवलपर्स अगर देख रहे हैं वीडियो तो वो उनको भी हेल्प मिल जाएगी कमेंट सेक्शन से, कुछ इंप्रूव करना होगा तो, बाकी भाई मुझे फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त लगा वो एनिमेशन फील्डिंग वाला कि कहीं भी लगवा सकते हो, दूसरा मुझे वो अच्छा लगा कि फील्डिंग आप कैमरे को रोटेट करवा के देख सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो ऐसे, और गर्दन भी हिला रहा है, सही लगा भाई, टेक केयर, गुड डे, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में, बाय बाय। और हाँ प्लीज़ जब भी आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले मुझे मैसेज कर दिया करो, इंस्टा पे, फेसबुक पे, फेसबुक नहीं, इंस्टा पे, व्हाट्सअप पे और कमेंट सेक्शन में, टेक केयर, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, आज से शायद टेस्ट WTC फाइनल शुरू हो सकता है।